वाचक चिन्ह को अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। वे सभी वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जा रहा हो या कुछ पूछा जा रहा हो उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये लड़का कौन है। तीसरा विस्मयादिक बोधक चिन्ह। विस्मयादिक बोधक चिन्ह का मतलब होता है जिसमें आश्चर्यचकित होने या फिर अचानक खुश होने की बात हो, जैसे अरे रमेश ने क्लास में टॉप किया है। अब मैं आगे के चिन्ह बताने के लिए अपनी सहपाठी अनुष्का को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद निहारिका। पांचवा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में इनवर्टेड कॉमा कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी महान व्यक्ति के शब्दों या किसी दूसरे के वाक्य या शब्दों को यथावत रखने तथा किसी विशेष शब्द पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगला है अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम चिन्ह को अंग्रेजी में कॉमा कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिनमें विराम अर्धविराम से कम होता है या जिनमें विराम अर्धविराम से कुछ अधिक देर के लिए होता है। जैसे हिंदी विषय बदलने पर राहुल को लगता है कि रिजल्ट खराब होगा। आखिरी चिन्ह है उपविराम चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में कॉलन कॉमा कहा जाता है। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि।